सब्सक्राइब कीजिए मैजिक हेल्थ टिप्स चैनल को हेल्थ वीडियोस की सबसे सही और सच्ची जानकारी के लिए। दोस्तों, बासी खाना खाना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इससे आपको फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या भी हो सकती है। इसीलिए या तो हम रात के एक बचे हुए खाने को फेंक देते हैं या फिर हम जानवरों को दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप बासी रोटी खाने के फायदे जानेंगे तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, बासी रोटी में जो फायदे होते हैं वो ताजी रोटी से ज्यादा ही होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक नियम होता है, तो बासी रोटी खाने के भी कुछ नियम होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बासी रोटी खाने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, उसको सेवन करने का क्या नियम है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो बासी रोटी खाना आपके लिए ताजी रोटी खाने से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। डायबिटीज रोगियों को सुबह के समय हल्के ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खानी चाहिए। दोस्तों, इससे आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल सही रहता है और आपका डायबिटीज संतुलित रहता है। तो दोस्तों, यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आपको आज से ही हर सुबह बासी रोटी को अपने नाश्ते में शामिल कर लेना चाहिए। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की समस्या भी आजकल काफी आम है। दोस्तों, यदि आप हर सुबह दूध के साथ बासी रोटी खाते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करने में ये आपकी मदद करता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या है तो हर सुबह नाश्ते में आप ठंडे दूध के साथ बासी रोटी का सेवन करें। ऐसा करने से आपके ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको पेट की कोई भी समस्या है, चाहे आपको एसिडिटी होती हो, पेट में जलन हो, पेट में दर्द लगती हो, तो फिर आपको बासी रोटी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए भी आपको सुबह के समय ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खानी चाहिए। इससे आपको एसिडिटी या पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें आपको राहत मिलेगी। इसके लिए दोस्तों, आपको गेहूं से बनी बासी रोटी खानी चाहिए। गेहूं से बनी बासी रोटी में फाइबर होता है जो कि भोजन को पचाने में आपकी मदद करता है, जिससे कि आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। तो दोस्तों, पेट की कोई भी आपको समस्या है तो आपको बासी रोटी जरूर खानी चाहिए हर सुबह। दोस्तों, जो लोग जिम जाते हैं उन्हें अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, ऐसे में ताजी रोटी की बजाय बासी रोटी आपकी ज्यादा मदद कर सकता है। बासी रोटी अधिक पौष्टिक होती है, यह हमारे शरीर में को एनर्जी देती है। और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो हर सुबह आपको बासी रोटी खानी चाहिए। इससे आपकी मांसपेशियों में मजबूती आती है और शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे कि आपकी मांसपेशियों को बनने में काफी ज्यादा मदद मिलती है और आपके मसल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दोस्तों, कुछ लोग काफी ज्यादा दुबले पतले होते हैं। जहां एक और मोटा होना भी एक बीमारी है, वहीं दुबला होना भी एक बीमारी का ही लक्षण है। यदि आप बहुत ज्यादा दुबले हैं और इस दुबलेपन से निजात पाना चाहते हैं तो फिर आपको बासी रोटी खानी चाहिए। दोस्तों, इससे आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर और प्रोटीन मिलता है। बासी रोटी में बैक्टीरिया ज्यादा टाइम तक होने की वजह से इसमें फाइबर और प्रोटीन काफी मात्रा में मिल जाते हैं, जो कि आपको दुबलेपन से राहत दिलाएंगे। दुबलेपन से निजात पाने के लिए आपको हर सुबह दूध के साथ और रात में भोजन में एक बासी रोटी जरूर शामिल करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप दुबलेपन से परेशान होकर कोई भी चीज खाते हैं लेकिन आपके दुबलेपन नहीं जा रहे हैं तो आपके लिए यह नुस्खा वरदान साबित हो सकता है। आपको हर सुबह और रात में भी एक बासी रोटी जरूर खानी चाहिए। आप देखेंगे कि जल्द ही आपको दुबलेपन से राहत मिल जाएगी। दोस्तों, यह थे बासी रोटी को खाने के कुछ फायदे। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसका किस तरह से सेवन करना चाहिए। दोस्तों, बासी रोटी में अधिक मात्रा में अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो सेहत बनाने के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। दोस्तों, इसका सेवन करने के लिए आप हर सुबह दूध को थोड़ा सा पहले गर्म करें, फिर उसको थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद आप उसमें बासी रोटी मिला करके खा सकते हैं। यदि आप सुबह सुबह दूध रोटी नहीं भी खा सकते हैं तो भी आप चाय के साथ रोटी का सेवन करें। कई लोगों को चाय पीने का शौक होता है, हर सुबह सुबह वो चाय पीते हैं, लेकिन जब वो खाली पेट चाय पी लेते हैं तो उससे उनको काफी नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों, आप चाय के साथ रोटी का सेवन करें। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बासी रोटी खाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 12 से 16 घंटे पहले ही गेहूं के आटे को अगर आप खाएंगे तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा।
यानी कि अगर आप रात की बची हुई रोटी सुबह खाएंगे और सुबह की बची हुई रोटी रात को खाएंगे तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा पुरानी रोटी होगी तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या इससे आपको फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या भी हो सकती है। तो इन बातों का खास ख्याल रखें कि आपको गेहूं के आटे की बनी रोटी खानी है और 12 घंटे या 16 घंटे से ज़्यादा पुरानी रोटी नहीं खानी है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक करें और मित्रों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नए नुस्खे नए तरीके के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।